Hi guys, welcome back to Easy Ref Learning by Amit Rai. Today, I'm your guide and friend Amit Rai is here to discuss with you how to write notice. कैसे लिखे notice? आपका English का exam होगा अभी 9th, 10th, 11th, 12th वाले होगा. उनके लिए ये video बहुत ही important है कि कैसे लिखे notice. जैसे कि आपने मेरी last video देखी होगी how to write notice. ठीक है, अब मेरी ये वाली वीडियो है वो तो मैंने बनाई थी फॉर्मेट के लिए कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है. अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख ले. मैं आप लोगों के आसानी के लिए इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा ताकि आप लोगों को इजी वे में वो मिल जाए, इजिली आप गेट कर पाओ उस वीडियो को. ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे नोटिस के क्वेश्चन, यानी कि हमें नोटिस का क्वेश्चन बस उठाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन को मैं करके आपको बताऊंगा कैसे लिखे हैं उसको उस फॉर्मेट से जो फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नोटिस. जैसे मान लो हमारा आज का टॉपिक है एग्जाम्स के ऊपर, आपको लिखना है एग्जाम्स के ऊपर नोटिस लिखना है. ठीक है, और आपका नेम क्या है इसमें, एबीसी नेम, आपका नेम है इसके अंदर एबीसी. ठीक है, और आपको लिखना है एग्जाम्स के ऊपर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन सी क्लासेस के आ रहे हैं, कब से हो रहे हैं एग्जाम, उन सब के बारे में आपको लिखना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, आपके स्कूल का नाम. तो आपको अगर अपने स्कूल का नाम नहीं है पता तो आप मतलब क्वेश्चन के अंदर नहीं पता, वैसे आपको पता ही होगा क्वेश्चन के अंदर आपको अपने स्कूल का नाम नहीं पता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या दे रखा है स्कूल का नाम, तो क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड स्कूल. और सेम फिर अगला नोटिस कैपिटल में, फिर यहां पे आती है आपकी डेट, तो डेट तो हम आज की लिखेंगे, डेट हमारे आज की है 9th of October 2020. लेकिन इस तरीके से आपको डेट नहीं लिखनी है, कई बच्चे गलती करते हैं इस तरीके से लिखने में. अब देखो लिखने का तरीका हमारा क्या है, 9th October 2020, ये तरीका बेस्ट रहेगा इंग्लिश में नोटिस लिखने के लिए, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में दोनों लिख लो डेट, आपको हमेशा डेट इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो मेन बॉडी की हम बात करेंगे, मेन बॉडी आएगी उससे पहले हमारा सब हेडिंग लिखो क्या, एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, यानी कि ऐसा आपको लिखना है हेडिंग कि जो लोग तुरंत देख के चौंक जाए क्या है ये, एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स. ठीक है, एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स. ठीक है, टाइम अब लिखना कैसे है, आपको फॉर्मेट क्या रहेगा आगे लिखने का, तो देखो लाइनिंग आपको स्टार्ट कैसे करनी है, दिस इज टू इन्फॉर्म all you that annual examination अब ये annual examination क्या है, what मैंने आपको last video में बताया था, what यानी कि topic को क्या ध्यान देना है, पहले what के बारे में ध्यान देना है, क्या notice का topic क्या है, तो इसलिए what क्या है मतलब this is to inform all you that annual examination is going to organize क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन फ्रॉम. ठीक है, मैंने क्या बता दिया, अब क्या बताऊंगा कब, व्हाट When, अब बताऊंगा कब, कब से कब तक, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं रहेगी, कब से मतलब कि एक रेंज रहेगी डेट्स की, इस डेट से इस डेट तक, फ्रॉम 20th February टू, अब यहां पे साथ में आपको ये लिखना है 2020, तो आप ये भी लिख सकते हो यहां पे. ठीक है, 2022 18th of March 2020. अब ये मैंने लिख दिया क्या, वॉट वेन, अब मैं क्या लिखूंगा वेयर. अब एक बात बताओ, एग्जाम में आप क्या ये लिखोगे,
कि हमारा वेयर एग्जाम किसी दूसरे रूम में भाई स्कूल के अंदर ही होना है, तो वेयर लिखने कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सिंपल लिखो एग्जाम में व्हाट व्हेन, वेयर यहाँ पे स्किप कर देंगे, वेयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठता है। फिर विद किसके लिए है एग्जाम, किसके साथ है और क्या क्या इसमें एग्जाम में प्रोसेस होगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखो फ्रॉम 25th to 18th March, ठीक है, फोर क्लासेस 6th to 9th, फोर क्लासेस 6th to 9th एंड 11th, ठीक है, यानी कि 25th से और 18th of March तक जो एग्जामिनेशन होने वाला है स्कूल लेवल के एनुअल एग्जामिनेशन, वो 6th to 9th और 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th और 12th को तो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसके अलग नोटिस बताई जाती है, इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है 6th to 9th और एन 11th, अब आप बताओगे व्हेन, वेयर भी हमने बता दिया, ठीक है, वेयर तो हमारे लिखने था, विद में हमने बता दिया हुम, तो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस each student have to pay, ठीक है, each student have to pay, अगर ग्रामर का ध्यान रखना दोस्तों, have to pay a reasonable fee, if your school is private then you must pay examination fee, ठीक है, each student have to pay a reasonable fee which is according to your class, जो कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग, या फिर आप ये लिख सकते हो which will describe a fee to your class teacher, आप सिंपल लिखो to your class teacher, तो हमने ये बता दिया कि what, when, with, whom, क्या, कब, किसके साथ, किसके लिए, यानी क्या चीज इसके लिए चाहिए, ठीक है। अब आप लिखोगे लास्ट में, आप हमेशा लाइन याद रखनी है, for more information contact undersigned, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए जिसके आप यहां पे नाम देने वाले हो उसको कॉन्टेक्ट करें, तो यहां पे डेजिग्नेशन लिखोगे आप हेड बॉय की, ठीक है, सबसे पहले तो क्या आएगा एबीसी नेम और क्या आएगी आपकी डेजिग्नेशन, यानी कि हेड बॉय, ठीक है, बस खत्म, ये था हमारा पूरा नोट। तो हमने व्हाट बता दिया, व्हेन बता दिया, वेयर बता दिया, विद बता दिया, हुम बता दिया, अब हम क्या करेंगे, जो हमने नोटिस लिखा है इसको फॉर्मेट में कवर कर देंगे, ये रहा इसका फॉर्मेट भी पूरा, इसको बाउंड्री लगा देंगे इसके बाहर भी, ठीक है, ये हमने बाउंड्री लगा दिया गया, ये बाउंड्री हमेशा कैसे लगनी चाहिए, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में लगनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप में होगी तब ये नोटिस कहलाएगा, नहीं तो ये कुछ का कुछ बन जाएगा, स्क्वायर शेप में नहीं होती कभी नोटिस की फॉर्मेट, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना, हमेशा आप किसमें लिखना, रेक्टेंगुलर शेप में लिखना है आप नोटिस को, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का।